हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ गार्डन टिप्स देने वाली हूँ। आप अगर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहो तो बहुत ही कम बजट में स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गार्डनिंग तो ऐसी हॉबी है जो हमको हैप्पीनेस देती है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्डनिंग के। हमारे आसपास की जगह अगर हम पौधों से भर दें तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे घर के आसपास बहुत सारी हो जाती है, और उसके साथ ही हमारे घर को ग्रीनरी ऐड करने के लिए और ब्यूटीफाई करने के लिए हम प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। गार्डनिंग अगर आपको स्टार्ट करनी हो तो कंटेनर आपके घर में ही होंगे। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स निकलते हैं, बॉटल्स निकलते हैं हमारे घर में। तो अगर इस लॉकडाउन में कलर भी ना हो तो भी चलेगा, तो बस होल कीजिए नीचे से किसी भी बॉटल को, बड़े पॉट को, बड़े कंटेनर को, जो टूटे फूटे हुए वो भी चलेगा। सिर्फ आपको मिट्टी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र का भी एक बताऊंगी फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र भी आपके पास अगर अवेलेबल ना हो, किचन वेस्ट जो भी निकलता हो डायरेक्टली आप जब पॉट भरेंगे तब भी इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं मिट्टी के साथ। बाद में ज़्यादा लेयर मिट्टी की डाले जब प्लांटेशन करे प्लांट का। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं और फ्री के प्लांट हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है, चंपा है, चमेली है, हिबिस्कस है, देसी हिबिस्कस है, देसी रोज है। आपको कहीं से भी, किसी गार्डन से, किसी नेबर से, किसी गार्डनर फ्रेंड से मिल सकते हैं। जितने भी पौधे, जितने भी कटिंग आप ला सकते हैं, लगाइए और अपनी हॉबी भी इंक्रीज़ कीजिए। देखिए, गार्डनिंग एक प्रोसेस है जो मैं सोचती हूँ कभी रुकती नहीं। एक बार अगर हमने प्लांट्स लगा दिए तो बस हो गया, ऐसा नहीं होता। नए नए प्लांट हमें दिखने लगते हैं, और रिपोर्टिंग की अगर प्रोसेस हमें मालूम हो, प्रोपोगेशन मालूम हो, तो हम बस सॉइल और पॉट का इंतज़ाम करके बहुत सारे जो कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। देखिए, समर में बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि समर में बहुत ज़्यादा खिलने लग जाते हैं। हर्ब में आपको मैं बताऊंगी, पुदीना बहुत बेस्ट है। और उसके साथ ही ये आपको जो प्लांट दिख रहे हैं सब भी कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, सभी ऐसे हैं, सभी फ्री वाले हैं। जितने भी ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और फ्री वाले पौधे हैं। आप बैग में भी प्लांट्स लगा सकते हैं, जो कि किचन में हमारे बैग निकलते हैं पॉलीथीन के, थोड़े से मोटा मटेरियल लेकिन उसका होना चाहिए, तो वो भी छोटे छोटे प्लांट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून में हम फ्रेंड्स नए नए प्लांट्स लगाते हैं, और एक अच्छी बात है, मॉनसून में जब बारिश स्टार्ट हो जाती है हमें वाटरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली बारिश होती है और पौधों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। सिर्फ हमें ख्याल रखना है विंटर और समर का। समर में भी अगर आप शेड प्रोवाइड कर सकते हो तो हमारे प्लांट बचे रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके गार्डन में अगर आपने हार्डी प्लांट और परमानेंट प्लांट का प्रोपोगेशन किया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं हमारे गार्डन में। और उसके बाद हम जो स्मॉल प्लांट्स रहते हैं, जो सीजनल रहते हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, तो उन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे मॉस रोज है,
या कोई फ्लावरिंग प्लांट है, तो बस उन्हें बाद में हमें प्रोपोगेट करना है। पहले हमें ये याद रखना है कि हम परमानेंट प्लांट जो भी है और जो टॉल बढ़ने वाले हो तो वो ज़्यादा हमारे गार्डन में प्रोपोगेट करें। तो बस हमारे हिसाब से हमको जितने भी प्लांट्स अवेलेबल होंगे, कटिंग अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से अपना छोटा सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो गार्डन बस एक ही साल में नहीं बनता, इन्हें धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है जो भी हमारे प्लांट है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स सीड से भी ग्रो किए जा सकते हैं, कई प्लांट्स बल्ब से ग्रो किए जा सकते हैं, तो इसी तरह से हम अपना गार्डन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही नए नए गार्डनिंग टिप्स के लिए, उसके साथ कुछ रिपोर्टिंग जो होंगी मेरे गार्डन में, उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम का एड्रेस मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ भी छोटे छोटे क्लिप्स मैं डेली डालती हूँ, तो आपको नए नए गार्डनिंग टिप्स भी मिलेंगे। नए नए प्लांट्स के लिए क्या टिप्स होंगे, कैसे प्रोपोगेशन करना चाहिए, वो छोटे छोटे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बाय बाय फ्रेंड्स।